भाई जो बोलते हैं ना कि भाड़ा नहीं मिल रहा है, कितने की पड़ी है ये? इतना क्या जमा किया है हमने, कितनी क्या किस्त है? तो आज हमारे साथ जगदीश भाई हैं, जिन्होंने है तीसरी पिकअप ले ली है, नई तीसरी ले ली है ना, कितने दिन हो गए है? गाड़ी तो जी वाली अभी एक नई आई, वो बन रही है सामने। जी है तीसरी वाली पिकअप जो अपनी बन रही है यही सामने अफजल भाई के पास बन रही है। तो ये कितने दिन हो गए ली ये? वो वाली? हाँ वो वाली तो अभी आई, अभी 5 दिन हो गए उसको बन रही है। 5 दिन हुए हैं। तो जो बोलते हैं ना कि जैसे कि गाड़ी में पैसा नहीं है या कमा नहीं पाते हैं, तो भाई आप प्रूफ देख लो, ये गाड़ी तीसरी गाड़ी है जो जगदीश भाई ने ली है, और ये मतलब गाड़ी से ही ली है। गाड़ी सब एक गाड़ी से गाड़ी बनी सबकी। हाँ मतलब पहले एक गाड़ी ली, फिर उससे ये गाड़ी, फिर ये तीसरी गाड़ी। तीसरी गाड़ी। तो ये मतलब ये कितने मॉडल है आपने, ये कब ली थी? और ये सन 2020 मॉडल है। ये 2020 मॉडल है। कितने चला लिए? ये चलेगा ये वही लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास चला लिया। अभी कोई दिक्कत गाड़ी में कुछ हुआ नहीं सर्विस के उतार के अलावा? अब ये BSX गाड़ी ली है। तो चलिए आइए दिखाइए थोड़ा गाड़ी को। तो अभी ये जगदीश भाई की ये बन रही है गाड़ी यहाँ पर। तो अच्छा ये बताइए जगदीश भाई कि ये अपन ने कितने की परचेज करी है, मतलब कितने की पड़ी है? ये 926 की खाली गाड़ी पड़ी है। 926 की। और कितना क्या जमा किया है अपन ने? इसमें अपन ने 4 लाख रुपए कैश जमा किया है। बाकी फाइनेंस करवाए। कितनी क्या किस्त है इसकी? 19,000 किस्त है। 19,000 की। चलो बढ़िया है। तो ये मतलब सादा स्टीयरिंग मिली है कि पावर में? सादा है। 1.3। हाँ 1.3। जी बॉडी बनवा रहे हैं? ये बॉडी बन रही है, मतलब काफ़ी मजबूत बॉडी बनवा रहे हैं। तो इसमें मतलब बॉडी में क्या क्या मतलब चीज़ें अपडेट मतलब बनवा रहे हो, मतलब कि कैसे क्या बनवा रहे हो? मजबूती है बॉडी, अब बिल्कुल नीचे से बनवाई थी तो खाली लंगी गाड़ी थी पूरी, चेचेस में खरीदी थी, नीचे से बनी है, नीचे से लकड़ी लगा के। हाँ लकड़ी लगा के पूरी नीचे से बनी है। अच्छा हाँ ये लकड़ी लगी है, इससे क्या है कि सपोर्ट अच्छा रहता है। तो अगर आप चेचेस ले रहे हैं दोस्तों तो आपको एक लकड़ी लगवाना है, इससे क्या है कि सपोर्ट अच्छा रहता है, गाड़ी की चाल अच्छी रहती, नीचे से अपन खुद बनवाओ बनी बनाई डाला की आती और काफी मजबूती जैसे बन रही है। होल्डिंग वाला ये अपन जी बनवा रहे हैं केबिन है, इसको जब अपन चाहे तो खोल के इसके लग कर देंगे ना। इससे क्या है कि अपन जब जी मतलब कि फिटनेस वगैरह करवाना है तो अपना निकाला और फिर लगा दिया, क्योंकि अब बिना मतलब जी लगा रहे तो फिटनेस नहीं होती है। और बम्पर कैसा बनवा रहे हैं, होल्डिंग वाला? हाँ बम्पर भी फोल्डिंग रहेगा। बम्पर भी फोल्डिंग वाला है। तो अभी काम ही चल रहा है गाड़ी में, 2-3 दिन लगेंगे अभी तैयार हो जाएगी। तो अभी पीछे भी काम ही चल रहा है। काय पे चलाओगे अब? इसी पे चलाएंगे हजरत में, कटीला तार में। भाई जो बोलते हैं ना कि भाड़ा नहीं मिल रहा है या मतलब गाड़ी से कुछ कमा नहीं पाते हैं या इतना नहीं बच पाता है, तो भाई ने तीसरी गाड़ी ली है, ये वो पिकअप ही से ली है, पिकअप ही से ली है। लेकिन वही है कि अगर आपका मार्केट बना है, वो अगर शुरू में आप गाड़ी ले रहे हैं तो क्या है, इसमें छोटी गाड़ी है, इसमें पैसा ऐसा वगैरह भी आता रहता है व्यापारियों का। हाँ तो थोड़ी भरोसे से चलानी पड़ती है, भरोसा होता है। और शुरू में अगर खुद ही चलाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे मार्केट भी बनता है, अपने घर के सदस्यों या अपने खुद के ड्राइवर भरोसेमंद पैसा आता है ना इस गाड़ियों में ज्यादातर। आगे कोई प्लान है क्या कोई बड़ी गाड़ी लेने का? अब देखो हमारे हिसाब से तो ठेला है, एक हिसाब से हमारे हिसाब से। हाँ मतलब इसी में पर्याप्त अपन को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब हमारे परिचित के भी है कुछ ठेला वाले। हाँ वो बोलते हैं हमारा 12 चक्का चल रहा है, 40,000 रुपये बच रहा है हमें महीने का खर्चा काट कूट के सब। हाँ वो बोले उसमें 2.5 लाख के टहट रहे हैं, जहाँ पिकअप में हमारे 70-80,000 रुपये बच रहे हैं, तो क्या करें देखे जाए। चलो बढ़िया है। तो ये गाड़ी में काम ही चल रहा है, 2-3 दिन लग जाएंगे, जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी आपको दिखाएंगे गाड़ी को।